बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं अवैस अकरम universitiespay.com की तरफ से, और हमारा कंसल्टेंसी चैनल है जिसमें हम स्टूडेंट्स और विजिट वीज़ा के हवाले से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आपको वीडियोज़ टाइमली मैनर्स में मिलती रहें। यूक्रेन, आज मैं आपको बताऊंगा यूक्रेन में MBBS के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले यूक्रेन जो है वो यूरोप में आता है और उम्मीद है नियर फ्यूचर वो शेंगेन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगा, यूरोप के साथ अपना प्रॉपर इल्हाक करेगा। जो यूक्रेन का कैपिटल है वो काइव है और उसका सबसे बड़ा सिटी भी है। यूक्रेन की जो करेंसी है उसे हर विनिया कहते हैं और वहाँ इजीली आप डॉलर्स और यूरो एक्सचेंज कर सकते हैं। यूक्रेन का टेम्परेचर जो एवरेज टेम्परेचर है 5 से 15 डिग्रीज के दरमियान रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ एडमिशन्स के प्रोसेस, रिक्वायरमेंट्स एक्सेट्रा। यूक्रेन जो है वो मेडिकल में काफ़ी एडवांस है, वो अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, ओवरऑल वर्ल्ड में उनकी अच्छी रैंकिंग है मेडिकल से रिलेटेड। इंटेक्स, यूक्रेन की मेजर इंटेक जो है वो दो हैं, सितंबर और नवंबर फर्स्ट इंटेक और सेकंड फरवरी अप्रैल, उनमें एडमिशन्स का जो है प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है और नेक्स्ट जो ऑनवर्ड जो है प्रोसेस कैरी ऑन होता है। इसका फ़ायदा ये है कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद आप कभी भी जा सकते हैं और नॉर्मली आपका एप्लीकेशन लेटर आने के बाद आप 45 से 90 डेज़ के अंदर जो है वो ट्रैवल करें तो ज़्यादा बेहतर है। MBBS के यूक्रेन से करने की ये एडवांटेजेस हैं, वहाँ आइल्स की ज़रूरत नहीं है जो पाकिस्तानियों के लिए बड़ा प्रॉब्लम है, किसी और एंट्री टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है प्रॉपर चैनल को फॉलो करते हुए अप्लाई करें और एडमिशन हासिल करें। यूक्रेन में आप जो है ईजिली जॉब कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल हैं, तो जिसकी बुनियाद पर आप जो है अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो कवर कर लेते हैं। अब आ जाता है MBBS के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी एवरेज फ़ीस क्या है। यूक्रेन की जो एवरेज फ़ीस है वो भी कोई ज़्यादा नहीं है, $2,000 to $5,000 जो है वो एवरेज ईयरली फ़ीस है जो पाकिस्तानियों के लिए मैनेजेबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके लिए, आपका मैट्रिक प्लस FSC 70-75+% मार्क्स होने चाहिए इनमें, और बेहतर यही है कि मैट्रिक भी आपकी साइंस के साथ हो तो फिर आपके चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं, और आपकी जो मिनिमम एज है वो 17 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए और 25 से कम MBBS के लिए अप्लाई करने के लिए। अब एडमिशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपका मेन पासपोर्ट, पिक्चर्स, स्टडी डॉक्यूमेंट्स जिसमें इंटरमीडिएट FSC है, FSC मेडिकल और मैट्रिक जो डॉक्यूमेंट हैं उनकी ज़रूरत है। अगर आप साथ स्टडी प्रपोजल प्रोवाइड करते हैं तो वो भी बेहतर है। इन सब डॉक्यूमेंट्स के होने से आप क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स एवेल्युएट करेगी और आपको एडमिशन दे देगी। आपका एडमिशन लेटर आने के बाद सेकंड स्टेप जो आता है वो है एम्बेसी में अप्लाई करना वीज़े के लिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं एम्बेसी के लिए, पासपोर्ट, पिक्चर्स विद वाइट बैकग्राउंड, मिनिमम 8 पिक्चर्स, 8 तस्वीरें चाहिए आपको, स्टडी डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड फॉर्म में,
बैंक स्टेटमेंट, एनटीएन टैक्स रिटर्न्स, ये सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी होती हैं। यूक्रेन में बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड एक प्लस पॉइंट ये है कि आप फैमिली मेंबर्स के अलावा कजन्स, अंकल, किसी की भी जो है बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, मॉम, डैड, ब्रदर, कज़न, अंकल, किसी के भी। तो उस सूरत में आपको सिर्फ एक एफिडेविट प्रोवाइड करना होता है जिसमें ये मेंशन किया होता है कि वो पर्सन जो है आपको फुली जो है इस ड्यूरेशन में सपोर्ट करेगा। और एम्बेसी में जब आप जाते हैं, कुछ और डॉक्यूमेंट्स जिनकी आपको ज़रूरत है वो है FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन ट्री, आप बर्थ सर्टिफिकेट कह लें इसे साथ, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, उसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है, मेडिकल टेस्ट आपके होने चाहिए और ट्रैवल इंश्योरेंस भी होनी चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास नेसेसरी हैं और इन सब के साथ ये आपकी कंप्लीट फाइल है। और इसके साथ एक्स्ट्रा लगेगा वो जो इनविटेशन या एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको आया है वो भी आप साथ अटैच करेंगे। इन सब मालूमात के बाद अगर आप यूक्रेन अप्लाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आप हमारा नंबर देख सकते हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम आपके डॉक्यूमेंट्स की फ्री असेसमेंट करेंगे और उन डॉक्यूमेंट्स में किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हुई तो उस बारे में भी आपको गाइड करेंगे। शुक्रिया।